गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम के 6 बजे मैंने सोचा कि साइकिल राइड पे चलते हैं, तो मैं निकल गया साइकिल राइड पे। अब देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। प्लान डुमस जाने का है। एंड अभी डुमस सुन के बंद मत खरीदना वीडियो, क्योंकि काफ़ी टाइम से डुमस ही डुमस दिख रहा होगा, लेकिन आई थिंक कि ये लास्ट वीडियो होगा डुमस का। लास्ट नहीं, मतलब इसके बाद अराउंड 10-12 वीडियोस डुमस के आएंगे ही नहीं, क्योंकि समझ जाओ अभी कुछ स्पेशल है। प्यारी समझ गई। तो ये लास्ट है डुमस का, ये पूरा वीडियो देखना साइकिलिंग का। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे स्टैंड लगाया हुआ है वो साइकिल के क्लिप्स रिकॉर्ड करने के लिए लगाया मैंने, बट पूरे टाइम इस पर फ़ोन लगा के नहीं रखूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन 13 अब फट जाएगी मेरी अगर गिर गया या चोरी हो गया। तो यहाँ पे सेफ होगा, उधर ही अपन लगाएंगे इसको माउंट पे और थोड़ा बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। बहुत गंदी लाइट आ रही है सामने से, फेस भी एकदम अजीब लग रहा होगा सन के कारण, पर कोई नहीं, चलते हैं। इसका ब्रेक इतना घटिया है ना। वैसे मैं हर बार डुमस है ना साइकिल से आज के साथ ही आता हूँ, बट सोलो राइड का भी अपना अलग ही मज़ा है, तो आज अकेले ही आया गया, अब जाते हैं। बट यार डुमस नाम सुन के बार बार चले मत जाना। एंड सच ही बताऊँ ना तो आईफोन का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा, कसम से इतना चुम्मा क्वालिटी है, इतना चुम्मा क्वालिटी, मज़ा आ जाता है। मतलब इतना क्लियर है दिन में, रात में तो इतना बकवास बन जाता है, बट दिन में कसम से चुम्मा क्वालिटी देता है ये अल्ट्रा वाइड कैमरा आईफोन का, मज़ा आ जाता है। और ये आगे अपना डिकैथलॉन, काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे मज़ा आता है इधर। लगभग आधा रास्ता कवर कर चुका हूँ और थकान तो अभी हुई नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ। यार देखो तुझे कितना प्यारा रोड, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। यार ऐसी जगह पे कौन नहीं आना चाहेगा, सीरियसली क्या सनसेट होने वाला है यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा। ये जो सनसेट का टाइम होता है ना 5-6 बजे का स्पेशली 6 बजे का, ये सन चुभता नहीं, मतलब इसकी धूप जाते ना वो चुभती नहीं। और अभी इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब ठंड नहीं कह सकते, जो परफेक्ट वेदर नाम की चीज़ होती है ना वो वेदर अभी मेरे को फील हो रहा है, काफ़ी मस्त वेदर है। ये बस एंट्री हो ही गई डुमस की। अब यहाँ से सोच रहा हूँ बीच जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि बीच हर बार जाता ही हूँ, तो देखते हैं रास्ते में फाइनल करेंगे क्या सीन है, बीच में जाना है कि नहीं। पहले प्लान नहीं था कि बीच पे जाऊँगा, बट यार सनसेट को देखते हुए कौन खाने का बड़ा मन हो गया, खाएंगे भी भुट्टा सनसेट देखते हुए, और सनसेट मिस नहीं करना चाहता, इतना मस्त लग रहा है। और इसके बाद ना हुआ नहीं मेरे साथ अगले 1 महीने तक शायद, तो आज लास्ट सनसेट, प्रोबेबली लास्ट। मतलब खाली भुट्टा नींबू और मिर्ची और बस ये, बिना वो भेल वेल बनाए, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये व्यू अगर आप देखोगे ना, मतलब प्यार हो जाएगा आपको इस जगह से। देखो आई लिटरली डिडंट एक्सपेक्टेड दिस कि यहाँ पे इतना पानी होगा, लिटरली अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे को इधर आए को, कुछ पानी नहीं था यहाँ पे। एंड देखो इतना प्यारा व्यू दिख रहा है ना, अभी तो यहाँ पे बैठ के मैं चिल करने वाला, थोड़ी देर मी टाइम बिताऊंगा, तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करना। एंड उस साइड एक पैच है जहाँ से नीचे उतरते हैं, लिटरली वो पैच उतरने में मेरी फट गई थी कि भाई साइकिल को कुछ ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी पत्थर थे और पानी एकदम आगे तक आया हुआ था, तो मेरे को ऊपर से नीचे लेके आना पड़ा, क्योंकि नीचे तक पूरा पानी भरा हुआ था, तो कोई सेंस नहीं बनता। स्टार्टिंग में सोच रहा था कि यार क्या सोलो साइकिल चलाने जाऊँगा, बोर हो जाऊँगा, बट ट्रस्ट में मेरा डिसीजन इतना बेस्ट था सोलो साइकिलिंग करने का। मेरे को आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना पानी होगा और व्यू इतना प्यारा होगा, मतलब देखने का मन करे जा रहा है। मंडे इवनिंग को भी ठीक ठाक पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि खाली है, बट पब्लिक अच्छी खासी है। एंड फाइनली सनसेट हो गया यहाँ पे और मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि सनसेट का पूरा टाइम लैप्स मेरे पास, क्योंकि कौवे बार बार आ रहे थे वहाँ पे, इसलिए तो चलते। हेलो, तो टाइम लैप्स इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि कौवे बार बार आ रहे थे वहाँ पे, बार बार कैमरे के ऊपर झपट रहे थे, तो मेरी फट गई क्योंकि आईफोन है ना वहाँ पे, तो अभी घर जाते काफ़ी लेट हो गया है।
अभी ऋषि का फोन भी आ गया है, तो फोन का ब्लॉग तो आप देख चुके। जिस पैच के बारे में बात कर रहा था वो ये वाले पैच है। आते वक्त क्या पानी काफी ऊपर तक आया हुआ था, तो मेरे को ऊपर से लेके आना पड़ा। अभी ऊपर चढ़ के फिर बात करता हूँ। ठीक था, अभी तो फिर भी इजी लगा, डिफिकल्टीज हो रही थी उतरते टाइम, अभी ठीक है। अभी साइकिल यहाँ पे लगाई है मैंने और चलते हैं, अंधेरा होने से पहले चले जाए, क्योंकि आई थिंक व्लॉगिंग में मेरे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आज थी अच्छी खासी और मैं व्लॉग कर रहा था तो मेरे को ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ व्लॉग करते टाइम। तो आई थिंक धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगा मैं, बस सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज सुबह मैं वॉकिंग पे भी नहीं गया था, तो अभी शाम में अच्छी खासी साइकिलिंग हो गई 25-30 किलोमीटर के आसपास, मतलब लगभग 27 किलोमीटर हो गया होगा मेरा आज साइकिलिंग। हुआ नहीं है, अभी घर जाऊंगा तो हो जाएगा ना, तो 27 किलोमीटर साइकिल अचानक से हो गई 3 महीने बाद। दिवाली के टाइम पे मैं चलाता था, लगभग दो मस्तक आता था, अब आज अचानक से आ गया। ठीक है, आते वक्त थकान नहीं हुई, अभी प्रॉब्लम मैं बोलते बोलते चला रहा हूँ, व्लॉग करते करते चला, इसलिए ज़्यादा थकान हो रही है मेरे को, बट ठीक है कोई नहीं, कभी कभार चलते हैं इतना थकान भी। तो यार इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में। गुड बाय।